बहुत ज़्यादा मेहनत की है हमने इस दिन तक एंड फाइनली द डे इज योर. सो यस, वी आर वेरी, आई एम वेरी हैप्पी. Only been dancing and only been happy and only smiling today. I don't want to look at anything that is negative around me. I just want to be happy and I just want to start this new journey with a smiling face and a happy face. आज की दुनिया में जहाँ पे बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी हैं, यू नो, स्पेशली इफ आई हैव टू टॉक अबाउट रिलेशनशिप्स, सो इट्स अ वेरी, इट टेक्स अ लॉट फ्रैंकली टू, यू नो, टेक दिस स्टेप. बट बिकॉज फ्रॉम द डे वन किशोर और मैं, हम लोग को एक चीज़ पता थी कि यू नो, वट एवर कम्स जस्ट लिव दैट मोमेंट, जो भी होना होगा होगा, लेट्स जस्ट गो विद द फ्लो. लेट्स नॉट स्पॉइल दिस थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर. So I think that's what it took and we are here, six years down the line, we are still together and किसी को अपना, जिसको इतना प्यार किया है, अगर वो आपको इस मुकाम तक आ जाता है, तो I don't think it can get better than this. So yes. I think एक ब्राइड की, उसकी जो जो उसको एक ब्राइड को और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाती है चीज़ें, वो ये है मेनली, उसकी ज्वेलरी एंड यू नो दैट स्माइल ऑन हर फेस व्हिच आई कैन सी कॉन्स्टेंटली. So yeah, she's definitely looking really pretty and yeah, I'm a happy bride. When I saw him, I came like a jungly woman running towards him. So he was also like, okay, you're looking very pretty. And then I suddenly realized, oh, I'm the bride. I'm supposed to be all like this. It's a party, like pool party going on. Tu har ghadi par vaake mere साथ रहा है, हमें जिसम कभी दूर कभी पास रहा है, जो भी गम है ये तेरे उन्हें तू मेरा बता दे, जो भी गम है ये तेरे उन्हें तू मेरा बता दे, कुछ इस तरह मेरी पलकें. I respect Punjab a lot, so it's in me. Punjab is in me, so उसकी वजह से मैं चल रहा था. And जब तक मैं कैरी कर सकता हूँ, मैं करूँगा. मैंने पहले ही बोला था, मेरे कानों में दर्द हो रहा है, बट फिर भी मैं पहनना चाहता हूँ. मेरे कि माई होल, माई अटायर इज बेसिकली अ शरारा. इट्स अ वेरी मुस्लिम आउटफिट दैट ब्राइड्स वेयर, यू नो, मुस्लिम वेडिंग्स पे. सो आई एम वेयरिंग दैट. चंडीगढ़ के डिजाइनर्स हैं, तो वो इस पर रचित खाना, क्योंकि मुझे पंजाबी कपड़े पहने थे, पगड़ी पहनी थी. सो आई वॉन्टेड टू हैव अ पंजाबी डिजाइनर, यू नो, विद मी. सो दे केम ऑन बोर्ड एंड दे कॉन्टैक्टेड मी, दे वांटेड टू मेक समथिंग फॉर मी. सो आई एम ग्लैड दे मेड दिस एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम लुकिंग लाइक अ टिपिकल सुराज. एंड द ज्वेलरी इज जस्ट, यू नो, इट जस्ट गोज वेरी वेल विद द आउटफिट एंड एवरीथिंग. आई थिंक अबाउट मी राइट नाउ इज सो प्रीटी दैट आई एम जस्ट फीलिंग सो ब्यूटीफुल. आई एम एक्चुअली फीलिंग लाइक अ वेरी वेरी हेवीली ड्रेस्ड ब्राइड. यस, मैंने वार्निंग दी थी, मेरे कार्ड में बहुत स्ट्रिक्टली लिखा गया था कि dress code is strictly Indian, so I'm really hoping when I go up I will see that people are dressed up in Indian. And it's a very great feeling, obviously I'm very happy and I think aaj traditional hai, kal western hoga. ये क्या है ना, हम लोगों ने इसको संगीत बुलाया है, पर ये संगीत है नहीं. हाँ, असली संगीत जो है, आओ नाचो, बहुत ज़्यादा खाओ और जाओ. इट्स लाइक अ यंगस्टर्स पार्टी, पीपल आर वेरी क्लोज टू अस. हमारे सारे फ्रेंड्स ने हमारे लिए सरप्राइज रखा था एंड दे एक्चुअली परफॉर्म टुडे, जो कि कल नहीं हो पाया था तो वो आज हुआ, बिकॉज दे ऑब्वियसली वाज अ बिगर प्लेस. And they had a stage, so they danced for us today, and it was a surprise. So I felt really good, and I think all the performances were great. They made me cry, they made me laugh, they made me fall in love with them so much more than I already do. आप रोए भी थे? बहुत ज़्यादा. जब मेरी मॉम का परफॉर्मेंस हुआ तो मैं रोई, जब सुयश की मॉम का परफॉर्मेंस हुआ तो वो रोया. वाही और ऋत्विक ने हमें बहुत हंसाया, और बाकी सारे परफॉर्मेंसेज ने हमें बहुत बहुत एंटरटेन किया, और मुझे बहुत अच्छा लगा था. दे डिड दैट फॉर अस. या आप फाइनली मेरी दुल्हनिया मेरे पास है, ये अंगूठी मेरे हाथ में है, ये मंगलसूत्र इसके गले में है. सो आई थिंक एक सपना पूरा हो गया है. सो बहुत अच्छी फीलिंग है. यस,
एंड इफ आई टू टॉक अबाउट द परफॉर्मेंसेस इनसाइड, हमारे जितने भी फ्रेंड्स थे उन्होंने हमें बहुत एंटरटेन किया. लाइक शी सेड, वी आर इन लव विद देम इवन मोर नाउ, एंड बहुत स्पेशल मोमेंट था. दे मेड इट इवन मोर स्पेशल फॉर अस, सो वी कांट थैंक देम यू नो इनफ फॉर दिस. एंड वी आर लविंग एवरी सिंगल बिट ऑफ इट. इट्स अ ब्यूटिफुल फीलिंग एंड वी आर लिविंग इट टू द मोस्ट. मेरे सपनों की रानी अब आ गई, मेरे सपनों की रानी अब आ गई. सो इट्स वेरी सिंपल. ऑफ कोर्स शी लुकिंग लाइक अ डॉल, शी लुकिंग लाइक अ प्रिंसेस. मैं देखना नहीं चाहता था इस आउटफिट को, बट मुझे पहले बहुत पहले देख लिया था. बट दिस टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग हर वेयरिंग दिस एंड शी लुकिंग फैंटास्टिक. एंड वेयरिंग चूड़ा, सो ऑब्वियसली दैट्स अ न्यू थिंग फॉर हिम. ही वांटेड मी टू रियली वेयर चूड़ा, सो आई एम वेयरिंग चूड़ा. शी इज पंजाबी दुल्हन. या sorry, well it's a Gaurav Gupta outfit and it was love at first sight. I saw it, I loved it on Instagram. Yeah, on Instagram, and I just went to his store, I saw it again, I fell more in love with it and I just bought it. So that was it. Meri actually reception ki shopping ek din mein khatam ho gayi thi. Yeah, it was done. I knew what I wanted and I got it. Thank you so much. Thank you.